आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं प्रिया हाजिर हूं हमारा खास प्रोग्राम सियासी दंगल लेकर। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां लगातार मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरी दुनिया चिंता जाहिर कर रही है। वहीं अफगानिस्तान से वहां के नागरिक पलायन को मजबूर हैं, लेकिन भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो तालिबान की जुबान बोल रहे हैं। पहले सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान के समर्थन में बयान दिया, फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी ने तालिबानी सोच को सलाम कर दिया। अब मशहूर शायर मुनव्वर राना ने तालिबान के समर्थन में बयान दिया है, जिसकी चौतरफा निंदा हो रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अफगानिस्तान में तालिबानी राज की शुरुआत हो गई है और उसको लेकर भारत में भी बयानबाजी हो रही है। पहले सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी ने तालिबान के समर्थन में बेतुका बयान दिया। वहीं अब मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने तालिबान को लेकर विवादित बयान दिया है। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फिर जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। मुनव्वर राणा का कहना है कि जितनी क्रूरता अफगानिस्तान में है उससे ज्यादा क्रूरता तो हमारे यहाँ पर है। पहले राम राज था, लेकिन अब काम राज है। अगर राम से काम है तो ठीक, वरना कुछ नहीं। मुनव्वर राणा ने कहा कि हिंदुस्तान को तालिबान से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान से जो हजारों बरस का साथ है उसने कभी हिंदुस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया। जब मुल्ला उमर की हुकूमत थी तब भी उसने किसी हिंदुस्तानी को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि उसके बाप दादा हिंदुस्तान से ही कमा कर ले गए थे। मुनव्वर राणा बोले कि जितनी AK-47 उनके पास नहीं होगी उतनी तो हिंदुस्तान में माफियाओं के पास है। तालिबानी तो हथियार छीन कर और मांग कर लाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ माफिया तो इसे खरीदते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देवबंद में ATS सेंटर खोलने पर मुनव्वर राणा ने कहा कि जब तक ये सरकार है कुछ भी कर सकती है, लेकिन मौसम हमेशा एक सा नहीं रहता। धर्मांतरण जैसे मसलों पर मुल्क बर्बाद होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क पहले जैसा था वैसा हो जाए। मुनव्वर राणा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी थोड़े बहुत तालिबानी हैं। यहाँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू तालिबानी भी होते हैं। आतंकवादी क्या मुसलमान ही होते हैं? हिंदू भी होते हैं। महात्मा गांधी सीधे थे और नाथूराम गोडसे तालिबानी था। यूपी में भी तालिबान जैसे काम हो रहे हैं। आपको बता दें कि मुनव्वर राणा पहले भी कई मसलों पर विवादित बयान दे चुके हैं। वहीं अगर तालिबान से जुड़े मुद्दों की बात करें तो हाल ही में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने तालिबान की तुलना भारत के स्वतंत्रता सेनानियों से की थी, जिसके बाद उन पर केस दर्ज हो गया। संबल लोकसभा क्षेत्र से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने सोमवार को बयान देते हुए तालिबान द्वारा फिर किए गए अफगानिस्तान पर कब्जे को भारत स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ दिया था। साथ ही कहा था कि तालिबान ने अमेरिका में भी पैर नहीं जमने दिए थे, जबकि दो लोगों ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर तालिबान द्वारा किए गए कब्जे पर खुशी मनाई थी। भाई को अपने देश को आजाद करने के लिए तालिबान के जरिए से, और तालिबान एक ताकत है,
और वो उसने अमेरिका को के पांव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए, जब भी कोई किसी, तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते, अपने तौर पर चलाना चाहते। इस मामले में भाजपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। तहरीर में भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि सांसद ने तालिबान द्वारा किए गए अफगानिस्तान के कब्जे को देश के स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ा है। साथ ही उन्होंने कई भड़काऊ भाषण पहले भी दिए हैं। 2 साल पहले संसद में शफीकुर रहमान बर्क ने वंदे मातरम कहने से इनकार कर दिया था। उनके द्वारा कल जो बयान दिया गया है, मैंने अखबार में पढ़ा और सोशल मीडिया पर देखा, तो वो बयान तालिबानी आतंकवादियों के समर्थन के पक्ष में देने वाला बयान है। पूर्व में भारत की सरकार के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है कि हम इस तालिबान संगठन के हम मस्तना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, और यदि उन्हें तालिबानी से प्रेम है, डॉक्टर सजवान बर्क जो संभल के सांसद हैं, यदि उन्हें तालिबानियों से प्रेम है तो वह हिंदुस्तान छोड़कर अफगानिस्तान तुरंत चले जाएं। उनको के पास यदि किराए का पैसे नहीं है, टिकट के पैसे नहीं है, हवाई जहाज की यात्रा के पैसे नहीं है, तो मैं उनको मुफ्त टिकट कराकर, अपने पैसे से उनको मुफ्त टिकट कराकर उनको भेजने का काम मैं कर सकता हूँ। समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी भी तालिबान के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने बयान जारी कर अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को जायज बताया। उन्होंने कहा कि तालिबान ने पूरी दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं को धूल चटाई है। इन नौजवानों ने काबुल की जमीन को चूमा है। उन्होंने तालिबान की जीत के लिए अल्लाह को शुक्रिया किया। पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा मजबूत फौजों को शिकस्त दी और बिलाखिर काबुल के सदारती महल में वो दाखिल हुए और उनके दाखिले का जो अंदाज सारी दुनिया ने देखा, उसमें कहीं भी कोई गुरूर, कोई तकब्बुर, कोई घमंड, कोई बड़े बोल नहीं नजर आए। नजर आया तो ये कि वो नौजवान काबुल की सरजमीन को चूम रहे हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान तालिबान को सलाम करता है। नोमानी ने आगे कहा कि पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एक निहत्थी कौम ने दुनिया की सबसे मजबूत फौजों का मुकाबला किया और काबुल के महल में वे दाखिल हो गए। उनमें किसी भी तरह का घमंड नहीं था, बड़े बोल नहीं थे। एक बार फिर यह तारीख रकम हुई है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तालिबान और अफगानिस्तान में राजनीतिक हालातों को लेकर ना तो कोई बयान दिया है और ना ही अपना पक्ष रखा है। ये बात बोर्ड ने सिलसिलेवार ट्वीट में कही। कहा गया कि कुछ मीडिया संस्थान बोर्ड के कुछ सदस्यों के विचारों को बोर्ड का विचार बता रहे हैं, यह गलत है। अफगानिस्तान पर जब से तालिबान का कब्जा हुआ है तभी से अफगान नागरिक देश छोड़कर भाग रहे हैं। वहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरी दुनिया चिंता जता रही है। काबुल एयरपोर्ट पर जो हुआ उसे दुनिया ने देखा, लेकिन भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो तालिबानी आतंक का स्वागत कर रहे हैं और ये वो लोग हैं खुद को बुद्धिजीवी की श्रेणी में रखते हैं। तालिबान जो आतंक अफगानिस्तान में फैला रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन चाहे सपा सांसद बर्क हो या फिर सज्जाद नोमानी और या फिर मुनव्वर राणा, इनके तालिबानी समर्थन में दिए गए बयान ये साफ करते हैं कि भारत में भी कुछ तालिबानी सोच के लोग पल रहे हैं जिन पर सरकार को कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। डेस्क रिपोर्ट, क्राइम टीवी। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में हुई हिंसा पर अब सीबीआई जांच करेगी।
कलकत्ता हाई कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने यह फैसला दिया है। आपको बता दें कि बंगाल चुनाव के दौरान जमकर हिंसा हुई थी, जिसमें कई लोगों की जान भी गई थी और करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। बड़ी बात यह है कि हिंसा के दौरान बड़े नेताओं को भी निशाना बनाया गया था। हाईकोर्ट के इस फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है, वहीं ममता बनर्जी ने सरकार के इस फैसले से नाराजगी जाहिर की है और सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुए हिंसा की जांच सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट की 5 जजों की खंडपीठ ने आज मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इसके अलावा अन्य मामलों की कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच करेगी। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़ितों को मुआवजा देने के भी निर्देश जारी किए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति हरीश टंडन, न्यायमूर्ति इंद्रप्रस्थ मुखर्जी, न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार की पीठ ने ये फैसला सुनाया है। मालूम हो कि चुनाव के बाद हिंसा पर हाई कोर्ट के फैसले का भाजपा ने स्वागत किया है। हिंसा मामले में हाई कोर्ट के फैसले पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, हमें उम्मीद है सभी दोषियों को सजा मिलेगी। दूसरी ओर बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि वह तृणमूल के प्रवक्ता हैं, इसलिए राज्य सरकार के मामले पर अधिक कुछ नहीं कह सकते। पर ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। जानकारी हो कि हिंसा से जुड़े अन्य मामलों की जांच के लिए गठित एसआईटी में कोलकाता पुलिस के आयुक्त सोमेन मिश्रा, वरिष्ठ आईपीएस सुमन बाला साहू और आईपीएस रणवीर कुमार को हाई कोर्ट ने शामिल किया है। एसआईटी जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश करेंगे। यह एसआईटी हिंसा के दौरान लूट, आगजनी व अन्य मामलों की जांच करेगी। फैसले में कहा गया है कि चुनाव के बाद हिंसा की जांच सीबीआई करेगी। अस्वाभाविक मृत्यु, हत्या और दुष्कर्म सहित अन्य अधिक महत्व के अपराध के मामलों की जाँच सीबीआई करेगी, जबकि अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण मामले की जाँच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया जाएगा। जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट को देगी। इसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश करेंगे। उल्लेखनीय है कि संबंध में कई याचिकाओं पर हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। उच्च न्यायालय ने 18 जून को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मामले में आरोपों की जांच के लिए एक समिति गठन करने का निर्देश दिया था। आयोग ने 13 जुलाई को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में राज्य सरकार, पुलिस और प्रशासन की तीखी आलोचना की गई। इसके जवाब में सरकार ने रिपोर्ट को झूठा और पक्षपाती बताते हुए खारिज कर दिया।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा गठित समिति ने मतदान के नतीजों के बाद राजनीतिक हिंसा के कई मामलों की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की सिफारिश की थी। मालूम हो कि आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव के बाद की हिंसा के आरोपों की सत्यता की जांच के लिए एक पैनल का गठन किया था। दो मई को विधानसभा परिणामों की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल के कई शहरों में चुनाव के बाद हिंसा की घटनाएं हुई थी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब सरगर्मी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल जातीय को साधने में लगे हुए हैं। सपा और बसपा जहां प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करके ब्राह्मणों को रिझाने में लगी है, वहीं बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग पर नजर डाल रखी है। बीजेपी कुछ अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल कर सकती है, वहीं कुछ सामान्य वर्ग की जातियों को पिछड़ा वर्ग का लाभ दिया जा सकता है। केंद्र से पास हुआ कानून यूपी में बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। इसी के चलते अब अन्य राजनीतिक दल जातीय राजनीति को छोड़कर महंगाई जैसे मुद्दों पर भी बीजेपी को घेरने की कोशिश में लग गए हैं। बड़ी बात यह है कि विपक्ष ये समझ गया है कि बीजेपी ने जातिगत राजनीति में तुरुप का इक्का फेंक दिया है और 2022 में बीजेपी इससे बड़ा फायदा ले सकती है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में इन दिनों जाति की राजनीति खूब चल रही है। सवर्ण को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दो, पिछड़ों को अनुसूचित जाति का तमगा लगा दो, केंद्र सरकार संसद के दोनों सदनों में ओबीसी बिल लाई और विपक्ष ना चाहते हुए भी सरकार का समर्थन कर गया। जिसके बाद ओबीसी बिल को कानूनी अधिकार मिल गया और राज्यों को ये ताकत कि वो जिस जाति को चाहें उसको आरक्षण का लाभ दे सकती हैं। बस फिर क्या, यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर सपा, बसपा, कांग्रेस और बीजेपी सभी राजनीतिक दल जातियों को साधने में जुट गए हैं। बीजेपी के साथ पहले से ही सवर्ण वोट और व्यापारी वर्ग का वोट रहता है, तो समाजवादी पार्टी और मुस्लिम और यादवों के सहारे सत्ता तक पहुंचती है। बसपा का कोर वोट बैंक दलित है जो मायावती को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाता है, लेकिन इस बार राजनीतिक दलों ने दूसरे दलों के कोर वोट बैंक में सेंधमारी शुरू कर दी है। बीजेपी ने आम्बेडकर की मूर्ति बनवाने की बात की तो सपा ने भगवान परशुराम की मूर्ति बनाने की कवायद तेज कर दी। वहीं बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलन करके बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंधमारी की शुरुआत कर दी। लेकिन जब से ओबीसी बिल को हरी झंडी मिली है तब से बीजेपी का पाला 2022 में मजबूत नजर आ रहा है। यूपी में बीजेपी सरकार 39 जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने जा रही है, जिसका सीधा फायदा उसे चुनाव में मिल जाएगा। विपक्ष भी ये बात जान चुका है कि बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंधमारी करना मुश्किल है और बीजेपी की नजर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग पर भी है।
अगर बीजेपी को ओबीसी का वोट बैंक मिल गया तो बीजेपी की जीत 2022 में एक तरफा हो जाएगी। बड़ी बात यह है कि जिन 39 जातियों के पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है उनमें से ज्यादातर सभी अगड़ी जाति में शामिल हैं और बीजेपी की वोट बैंक मानी जाती हैं, जैसे अग्रहरी वैश्य, केसरवानी वैश्य, रेहुला भाटिया, कायस्थ भूटिया, बगुआ, दोहर दोसर वैश्य, भाट। चूंकि यूपी में अब सिर्फ 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और इस वजह से वहां हर मुद्दे की संवेदनशीलता बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। अगर आयोग चुनाव से पहले अपनी सिफारिश सरकार को भेज देता है तो फिर सरकार को चुनाव से पहले कोई ना कोई फैसला लेना पड़ जाएगा। इसके बाद वहां के बहुत सारे नए सियासी और सामाजिक समीकरण बन सकते हैं। मामला 2-4 जातियों का नहीं बल्कि 39 जातियों का है। ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी यूपी में पिछड़ा वर्ग सूची को विस्तार देकर अपने हक में सियासी समीकरण बनाना चाहेगी। यूपी की राजनीति में पिछड़ा वर्ग काफी अहम भूमिका अदा करता है। बीजेपी भी अपना चेहरा बदल रही है। एक वक्त बीजेपी को अपर कास्ट के लोगों की पार्टी कहा जाता था, लेकिन 2014 में मोदी और अमित शाह के हाथों पार्टी की कमान आने के बाद ही पार्टी ने ओबीसी के बीच पहुंच बनाने में कामयाबी पाई। ज्यादातर राज्यों में, खासतौर पर हिंदी बेल्ट, पाया गया है कि पिछड़ा वर्ग में भी जो अति पिछड़ा वर्ग है उसने बीजेपी को अपनी जाति मान लिया है। राजनीतिक गलियारों में मोदी सरकार को ओबीसी सरकार इसलिए कहा जाता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 27 ओबीसी मंत्री हैं। लेकिन जाति की राजनीति सिर्फ यही नहीं रुकेगी। अगर बीजेपी को नई जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करके फायदा होगा तो पहले से जो पार्टियां आरक्षण का लाभ ले रही हैं वो बीजेपी से नाराज हो सकती हैं। वहीं नई जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल किए जाने का फैसला होता है तो विपक्ष भी हाथ पर हाथ रख कर बैठने वाला नहीं है। घमासान होना तय माना जा रहा है। जैसा कि पिछड़ा वर्ग की सूची में नई जातियां शामिल होंगी, आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने की मांग शुरू हो जाएगी। नई जातियों के शामिल होने से पिछड़ा वर्ग की सूची में पहले से मौजूद जातियों को अपने हक में कटौती लगना शुरू हो जाएगा। यूपी में पिछड़ा वर्ग सूची में पहले से ही 70 जातियां शामिल हैं। आरक्षण का कोटा बढ़ने पर अपर कास्ट भी मैदान में मोर्चा ले सकता है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो फिलहाल सियासी दंगल में आज इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे को लेकर। तब तक आप देखते रहें प्राइम टीवी।